तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम अबाउट ईदर यू शुड चूज रीजनल एरिया टू परस्यू योर स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वेयर अगेन हर वीडियो में बोलती हूँ पर मैं वही टॉपिक चूज करती हूँ जिन पे मुझे यू नो मेजोरिटी ऑफ डाउट आते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द डाउट कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में या बाकी जगहों से हैं उनको ये ये इस डायलमा में है कि हमें यू नो रीजनल एरिया चूज करना चाहिए या फिर हमें सिटी चूज करना चाहिए क्योंकि वहां बैठे हम ही लगा सकते हैं हमें एक्चुअल में नहीं पता कि यू नो रियलिटी क्या है ठीक है ठीक तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो चीज तो जरूर बताऊंगी कि जब मैं इंडिया में थी और अगर मुझे कोई बोलता कि यू नो रीजनल एरिया चूज कर लो तो मैं बिल्कुल नहीं करती गाइज मेरा मोटिव मेट्रोपोलिटन सिटी में ही आना था एंड अ लॉर्ड ऑफ यू हैव सिमिलर थिंकिंग क्योंकि ना मतलब पीआर को मोटिव बनाने से पहले हमारा मोटिव ये आता है कि यार जो हम कोर्स चूज कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं उसकी फीस निकल जाए और फीस निकालने के लिए हम सिटीज प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर बड़ा सिटी है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं और ज्यादा चांसेस हैं यू you नो know? एक अच्छा वेज रेट पाने के लिए और अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए और अपनी फीस निकालने के लिए लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब ग्राउंड रियलिटी का पता चला और गाइस, रीजनल एरिया में रहने के भी अपने अलग ही फायदे हैं और लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो रीजनल एरियाज़ आर बेस्ट इफ़ वी कंपेयर टू सिटीज लेकिन अगेन वो सबके अपनी अपनी अलग प्रेफरेंसेस होती हैं अब मैं बता देती हूँ गाइज ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रही आ, जिनका मोटिव है यहाँ पे आके मतलब यू नो स्टडी करना और उसके बाद एक दो साल का पोस्ट स्टडी परमिट लेके नेशनल एक्सपोजर लेके अपने होम कंट्री वापस चले जाना आ, ये वीडियो मैं मेनली उनके लिए बना रही हूँ जो यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई करने और उसके बाद आ, यहीं पर सेटल होने यानी कि पी लेने <laughs> तो गाइज रीजनल एरियाज में जो पी है वो जल्दी मिलेगी इन कंपैरिजन टू सिटीज़ उसके मैं मतलब रीजन बता देती हूँ भाई सबसे पहले तो यही बता देती हूँ कि रीजनल एरियाज़ कौन से कौन से हैं जैसे कि एडिलेड है वन ऑफ द फेमस रीजनल एरिया फिर पर्थ है गोल्ड कोस्ट है कैनबरा है बलाट है यहाँ पे जिलोंग है यहाँ पे पास में तो ये सब रीजनल एरियाज आ जाते हैं और आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ जाते हैं वो तीन ही हैं मेलबर्न सिडनी और ब्रिस्बेन तो अगर आप किसी भी रीजनल एरिया को चूज कर रहे हो अपने स्टडी के लिए और आप वहीं पे रह रहे हो तो आपको जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पांच पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा फॉर स्टडिंग एंड लिविंग इन रीजनल एरियाज मतलब आपको सुन के लग रहा होगा अरे बस पांच पॉइंट्स बट गाइज ये पांच पॉइंट्स के पीछे इतनी मारा मारी होती है ना और लोग बिल्कुल मतलब यहाँ पे पढ़ने आते हैं पर वहीं पे टपक जाते हैं सिर्फ इन पाँच पॉइंट्स के पीछे और हाँ गाइज जो पीआर होती है ना आपकी वो पॉइंट्स बेस्ड होती है ज, जैसे मतलब मुझे इसकी थोड़ी ज्यादा नॉलेज होगी तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी लेकिन मतलब जितना मेरे को पता है मोटा मोटा उतना ही है कि आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं फिर अगर आप मतलब बैचलर्स करके आए हुए हो यहाँ पे और मास्टर्स में आए हो तो जो आपकी बैचलर्स हुई है आपके कंट्री में उसके भी पॉइंट्स जुड़ते हैं आप जब आप पी के लिए अप्लाई करते हो ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा तो गाइज जो मेन सिटीज हैं बड़े बड़े वहां पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दो साल का मिलता है आफ्टर योर जो भी आप करने आए यहाँ पे स्टडीज Uh, पीछे सुनने में आया था कि तीन साल भी हो गया है बट उसका मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो रीजनल एरियाज़ है गाइज़ वहाँ पे आपको एक साल एक्स्ट्रा मिलता है आ, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा इफ़ यू कंपेयर इट टू सिटीज़ तो, सिटीज, तो गाइज़ वो जो एक्स्ट्रा साल मिल रहा है ना उस टाइम आप तैयारी करते हो अपनी पी की फाइल लगाने की अब यहाँ पे बड़े सिट सिटीज़ में आपको दो ही साल मिल रहे हैं ठीक है, है? उसमें क्या तो आप एक्सपीरियंस जोड़ोगे है ना मतलब वो जो हमें दो साल मिले हैं उसी में हमें अपना एक्सपीरियंस भी बनाना है अपनी फील्ड में फिर हमें पीआर की भी तैयारी करनी है तो मैं वही कह रही हूँ कि जब आपको ज़्यादा साल मिल रहे हैं ना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के तो आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है मतलब अच्छी तरह अपने उसकी तैयारी करने के लिए पी की फाइल लगाने के लिए है ना हाँ तो एक तो ये पॉइंट हो गया उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आपको पीआर की फाइल लगानी है तो आपके पास जो वीजा होता है लगाने के लिए वो होता है 189 लेकिन अगर आप रीजनल एरियाज में हो तो आपको दो और वीजाज अप्लाई करने के लिए मिलते हैं जो कि मतलब सिर्फ रीजनल एरियाज में ही मिलते हैं और वो है 190 और 491 तो ये जो दो वीज़ाज हैं ये आप सिर्फ रीजनल में ही अप्लाई कर सकते हो मेट्रोपॉलिटन में नहीं कर सकते और जो 491 वीज़ा है वो प्रोविजनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए होता है और ये आप सिर्फ़ रीजनल में ही कर सकते हो अब गाइज अगर मैं बात करूँ कॉन्स की तो ऑब्वियसली बात है अगर आप कंपेयर करोगे रीजनल एरिया को आ, यू नो बड़े सिटीज से तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मतलब कम हैं ये बात तो सभी मानेंगे लेकिन मतलब इतनी कम नहीं है कि भाई लोग भूख मरीज हैं मरे है ना मतलब अगर आपके पास रेफरेंस है तो ऑल गुड आपको आ, मतलब रीजनल एरिया में भी मिल जाएगी और या फिर अगर आपके पास नहीं भी है तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको जॉब मिलने धूप आगे तो अगर आपके पास मतलब रेफरेंस नहीं भी है तो भी मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है जॉब मिलने में इफ़ यू इट टू बड़े सिटीज ठीक है लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ ना मतलब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अवेयरनेस आ चुकी है एंड अ लॉट ऑफ मेजोरिटीज मूविंग टू रीजनल मतलब जो सिटीज में आए हैं वो तो मूव हो ही हो रहे हैं और बच्चे भी मतलब जो इंडिया से भी आ रहे हैं या बाकी देशों से भी आ रहे हैं वो भी uh, मतलब स्ट्रेट ही रीजनल मूव हो रहे हैं और रीजनल एरियाज में एडिलेड पर्थ में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है बहुत ज्यादा जिसकी वजह से जॉब्स की दिक्कत आ रही है अब भी मतलब मैं करेंटली बता रही हूँ बच्चों को जॉब्स की दिक्कत आ रही है तो अब डिसीजन सारा आप लोगों के ऊपर ही है क्योंकि मैंने तो दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए अगर आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट है ठीक है पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ आओ लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए सोच रहे हो पीआर सोच रहे हो तो गाइस बिना सोचे रीजनल मूव हो जाओ ऑल्सो अगर आप यू नो आईटी बैकग्राउंड के हो तो आंख बंद करके रीजनल में ही मूव होना अगर आपका मोटिव पीआर पाना है तो ठीक है तो मैं भी अपना ही बता दूं मैं भी मेलबर्न में बैठी हूँ बट मुझे भी मूव होना पड़ेगा गाइस इन फ्यूचर तो वो सब देखेंगे लेकिन ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था आप लोग के साथ आई थिंक दैट्स अबाउट दिस वीडियो मतलब जितने मुझे चीज़ें पता थी वो मैंने आपको बता दी अगर और कुछ भी पता धूप आ रही है अगर और कुछ भी पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी um, हाँ बस यही था चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस 11 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दिया करो मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के इतना अच्छा फील होता है ना मैं क्या ही बताऊँ सो थैंकू सो मच बडीज इन्वेस्टेड इन माई चैनल एंड हुए माई एफर्ट्स एक और चीज़ बोलूंगा आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ यू यू नो स्टेशन पे या कहीं भी मैं जा रही हूँ तो आप मिल जाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल के तो ऐसे ही मिल लिया करो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पहचान जाते हैं पर मिलने में शायद शर्मा आ जाते हैं कुछ भी तो मुझे तो समझ में आ जाता है बट <laughs> स्टिल मैं उन सबको भी यही कहूंगी यार मिल लिया करो मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो आई थिंक आईव कवर्ड इट ऑल भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ब बाय एंड टेक केयर